आज मेरा लड़का बहुत अच्छे नंबर से पास किया है और आगे जाके सॉफ्ट इंजीनियर बनना चाहता है। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज ये इतना पैसा। हाँ सर, आज आपके द्वारा जो CBSE में 90+ छात्र छात्राएं हैं, इनको आपके द्वारा सम्मानित किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रामनगर के उम्मीद कंपाउंड की सौम्या 90+ मार्क से पास की है। हम लोग अपने पुलिस प्रशासन की ओर से बधाई देते हैं, रामनगर की जनता की ओर से बधाई देते हैं। ये बच्ची ऐसे ही लगन से पढ़े लिखे और देश का नाम रोशन करे। और मैं यहाँ के गार्जियनशिप से अनुरोध करना चाहूँगा कि रामनगर में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, या लाइब्रेरी और वाचनालय की व्यवस्था अगर हो जाती है तो मुझे लगता है कि यहाँ इतनी प्रतिभा छिपी हुई है जो पूरे देश के नक्षत्र में छा जाएंगे लोग। मैं इसे तहे दिल से बधाई देता हूँ और इसके मंगल में भविष्य की कामना करता हूँ। बेटा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम सौम्या कुमारी है। तो कितना परसेंट मार्क्स आया CBSE में? 94.2%। इसके लिए तुम किसको श्रेय देना चाहती हो? इसके लिए मैं अपने दादाजी श्री सदरकांत शुक्ला और अपने प्रिंसिपल पुलकित झुंझुनवाला को श्रेय देना चाहूँगी। आगे भविष्य में तुम्हारा क्या टारगेट है, क्या बनना चाहती हो? आगे भविष्य में डॉक्टर बन के अपने पूरे देश का मतलब सेवा करना चाहती हूँ। आज बहुत ही इंतजार के बाद हमारा CBSE क्लास 10th का रिजल्ट आया है। मैं सुबह अपना रिजल्ट देख रहा था, 12 बजे करीब हमारा रिजल्ट आया। मुझे अपना रिजल्ट देख के बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई। कोरोना काल में मैंने अपने पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया और जितने भी हमारे चैप्टर्स थे, जितने भी हमारे सिलेबस थे, उसको कंसिस्टेंटली मैंने एक एक करके ख़त्म किया। इस रिजल्ट में मेरे पिता माता के साथ साथ मेरी बहन का भी बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। उन्होंने मुझे बहुत मदद की, जहाँ पे मैं गलती करता था वहाँ पे उस गलती को वो सुधारती थी। मेरा आगे जाके IT इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाने का सपना है। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। इसके लिए मैंने अपना क्लास 9 से वेब डेवलपमेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था और क्लास 10th ख़त्म होते होते मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन गया। और जिन लोगों का CBSE का आज रिजल्ट आया है, सबसे पहले उन सभी को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएँ। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मौका आएंगे जहाँ पे वो मेहनत करके और भी अच्छा कर पाएंगे।